ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर 1 अप्रैल को एक्वायर एसेट्स एंड लाइबिलिटी था, 1 अप्रैल को सारा काम चला। कहता है द एसेट्स ऑफ पी, यानी सर ये जो बैलेंस शीट है ऑलरेडी पी का है। कहता है इस कंपनी के जो एसेट्स हैं, एसेट्स ऑफ पी लिमिटेड टू बी वैल्यूड एज फॉलो, यानी सर इसके एसेट्स के वैल्यूएशन की बात चल रही है कि इसका गुडविल जो हो जाएगा वो 40,000 का हो जाएगा, लैंड जो हो जाएगा 20% मोर देन बुक वैल्यू होने वाला है, प्लांट एंड मशीनरी इसका हो जाएगा 10% लेस देन द बुक वैल्यू, सन्ड्री डेटर आपका जो भी दे रहा है सब्जेक्ट टू 5% प्रोविजन, डेटर अदर बुक्स वैल्यू ठीक है, एंड अदर एसेट्स बुक वैल्यू, बाकी के जो एसेट्स कोई बच गए हैं तो उसको जो ये वैल्यू दे रखा है उसी पे ले लिया जाएगा। परचेज कंसिडरेशन टू बी डिस्चार्ज, बोला गया परचेज कंसिडरेशन को डिस्चार्ज किया जाएगा। तो अब देखो यहाँ कहीं मेथड नहीं बोलेगा कि कौन सा मेथड लगाना है, आपको खुद सोचना है समझना है कि कौन सा मेथड लग रहा है। बोला गया कि परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज, जो भी परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज होगा पहले ये तो बताओ परचेज कंसिडरेशन है कितना, तो इसमें कौन सा वाला मेथड लग रहा है सोचो। परचेज कंसिडरेशन बोला गया कि जो भी परचेज कंसिडरेशन बनता होगा उसको हम 30,000 इक्विटी शेयर दे देंगे और फिर हम प्रेफरेंस शेयर दे देंगे और बाकी का कैश दे देंगे जो भी बनता हो। डिबेंचर होल्डर को हम क्या करेंगे सर, सफिशियंट नंबर ऑफ डिबेंचर दे देंगे, 100 रुपए ईच प्रीमियम। कहता है डिबेंचर होल्डर पी लिमिटेड डिस्चार्ज इशू सफिशियंट 12% डिबेंचर 100 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम, भाई डिबेंचर होल्डर को ही दे देंगे। एक्सपेंस डिसोल्यूशन पी लिमिटेड अमाउंट 12,000, तो इसी ने पे किया है। यू आर रिक्वायर्ड, क्या कर रहे हैं, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, बैंक अकाउंट और बुक्स पी के लिए पी एंड जर्नल एंट्री ऑफ एस, यानी सर बायर की जर्नल एंट्री पूछ लिया और सेलर का लेजर पूछ लिया। समझ में आ रही है बात आपको, क्वेश्चन समझ में आया सबको। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं सर, रियलाइजेशन बना लेते हैं, बड़ा फटाफट से हो जाएगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा ये सवाल, कोई दिक्कत नहीं है सर। बाय बैक राइट इशू, भैया जो चल रहा है पहले आप उसे देखें, पुरानी वीडियो में मैंने बाय बैक डाल रखा है, राइट इशू भी डाला हुआ है, जिन बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी करना है तो कंसोलिडेशन भी डाला हुआ है, फोल्डर के अंदर अपडेट कर दिया है, बाय बैक भी राइट इशू भी जितने भी चैप्टर है तो वो कर सकते हैं। लाइव क्लास में तो हम एक शेड्यूल के तौर पर ही चलेंगे और जिसको जैसे कि टाइम मिल रहा है, जिन बच्चों ने सिलेबस को खत्म कर लिया है पहले से जो हम साथ साथ चल रहे हैं तो वो उनमें से भी कर ले तो कोई बुराई है नहीं। कुछ बच्चों का कहना था सर डिबेंचर के अंदर आपने क्वेश्चन तो कराया ही नहीं, तो मैंने अपने एग्जाम्पल लिए थे, बाकी आप 10 ईयर के क्वेश्चंस को कर सकते हो, या जो भी किताब आप वट एवर कैरी कर रहे हो उस किताब से भी आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो कि रुक जाएगा आपका। तो मैंने उसको इसी हिसाब से ही कराया था कि आपके सारे किताब के क्वेश्चंस हो जाए, ठीक है ना। चलिए पहले रियलाइजेशन बना लेते हैं सर। रियलाइजेशन बनाने से पहले एक चीज और भी करना था हमें, रियलाइजेशन से पहले एक काम और करना था। ओहो कहाँ गया, ये दिक्कत होती है इन लोगों को, काम चलो यही लेते हैं। चलिए सर रियलाइजेशन से पहले हमें निकालना पड़ेगा क्या, परचेज कंसिडरेशन। अब सर परचेज कंसिडरेशन कैसे निकाला जाएगा, सर परचेज कंसिडरेशन जो निकाला जाएगा
यहां पे लिखेंगे हम एसेट्स, और यहां लेस कर देते हैं लाइबिलिटी, क्योंकि इसके अंदर आपका लगेगा नेट एसेट्स मेथड, पेमेंट मेथड तो लग नहीं रहा। तो सर एसेट्स के अंदर गुडविल कहता है 40,000, तो अब बताते जाइएगा सर गुडविल कितना आएगा हमारा, और आगे क्या कह रहा था क्वेश्चन में, गुडविल 40,000 और कहता है लैंड एंड बिल्डिंग, सर लैंड एंड बिल्डिंग 20% ज्यादा, तो बताइए 20% ज्यादा कितना होता है लैंड एंड बिल्डिंग का। पहले से लैंड एंड बिल्डिंग हमारा दे रखा है 2,25,000, 2,25 का 20% ज्यादा 45,000 प्लस कर देंगे 2,70। इसके अगला क्या था हमारा प्लांट एंड, इसके बारे में क्या कह रहा है, देखिए प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कह रहा है 10% लेस कर देंगे, 3 लाख का 10% लेस करेंगे तो ये भी 2,70 आ जाएगा। इसके बाद क्या था हमारा डेटर, सर डेटर पे क्या कहता है, डेटर पे कहता है सब्जेक्ट टू प्रोविजन रहेगा। प्लांट एंड मशीनरी के बाद देखा जाए तो हम बात करें प्लांट एंड मशीनरी हो गया, अब कहता है डेटर पे 5% का प्रोविजन बना दो, तो डेटर है कितने का, डेटर अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में 1,80 का है ना, तो 5% प्रोविजन बना देंगे तो 1,71 बचेगा, तो 5% प्रोविजन बनाने के बाद 1,71 बचेगा 5%, 1 लाख हमारा कितने का था 80 का, इसमें से माइनस 5% कर दोगे तो 1,71। आगे कहता है जितने भी अदर एसेट्स हैं ना आपके उसको सभी को ले लो अपने बुक वैल्यू पे, उसका कोई मार्केट वैल्यू है ही नहीं, तो अदर एसेट्स में गुडविल हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर रह गया कितने का, फर्नीचर, फर्नीचर 10% लेस है, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर भी 10% लेस है, तो 4,000 इस पे भी माइनस हो जाएगा तो 36 हो जाएगा, ठीक है ना, 40,000 में से माइनस 4,000 हो जाएगा तो 36 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर आगे देखते हैं, अदर बुक्स में फर्नीचर का स्टॉक सेम आ जाएगा 80,000 रुपये का, स्टॉक कितने का आ गया, और आगे है कैश एट बैंक, तो बैंक भी लेंगे ही जब ना बुलाओ, तो बैंक कितने का है 30,000, ये टोटल एसेट्स हो जाता है हमारा 4 लाख, 270, 270, 171, 36,000, 80,000, 30,000, सर 12 लाख, 57,000 लेस कर दो लाइबिलिटी, जिसमें से क्या है डिबेंचर। लाइबिलिटी की बात करें तो सर लाइबिलिटी में ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, सिर्फ क्या लेंगे डिबेंचर, पीएफ और क्रेडिटर, तो डिबेंचर 1,65, और पीएफ कितना है, प्रोविडेंट फंड 45। अब कुछ बच्चों का ना एक डाउट रहता है सर प्रोविडेंट फंड और रिजर्व फंड एक ही तो होता है, नहीं प्रोविडेंट फंड हमारा लाइबिलिटी है, जहां प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी है बाकी किसी का भी फंड लगता है तो वो रिजर्व का पार्ट माना जाता है। इसके बाद क्या था क्रेडिटर, कितने का क्रेडिटर 77, 75, चलिए सर इसमें से माइनस कर देते हैं 12,57,000 में से माइनस 165, माइनस 45, माइनस 75,000, तो ये आ गया 9,72,000, और कुछ रह तो नहीं गया, देखिए पीसी, क्या रहा है पीसी, कहां मिलेगा पीसी, रियलाइजेशन में, किसी को डाउट यहां तक 970 गुनगुन ने जवाब दे दिया था, गुनगुन ने पहला भी जवाब दे दिया था, 270 सभी का जवाब आ रहा था,
मैंने ये पीसी निकाला है, अभी रियलाइजेशन तो बनाया ही नहीं है। और प्रोविडेंट फंड मैंने लाइबिलिटी में लिखा तो है पीएफ के नाम से। सर पीएफ क्या है? पीएफ इज प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? वो पैसा जिसके लिए हम क्या करते हैं कि आप जो हमारा एम्प्लॉय होता है तो एम्प्लॉय के सैलरी में से काट के अपने पास जमा करके गवर्नमेंट के पास जमा कराते हैं, उसे पीएफ मैंने शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया। वैसे होता प्रोविडेंट फंड है। एक बार दिखाओ दिखाओ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, एक बार टोटल देख लेते हैं। 4 लाख, अरे 4 लाख कर दिया, एक गलती हो गई, ये 40,000 है। जब मैं करता हूं तो ऑफलाइन वाले बच्चे तो और सोते हैं। कैलकुलेटर कितने बच्चों के पास नहीं है? अगर आज क्लास से बाहर निकाल दूं तो कोई बुराई तो है नहीं, जिन बच्चों के पास कैलकुलेटर नहीं है। नौ सत्तर, कल वाली क्लास में सभी बच्चे कैलकुलेटर लेके आए। और स्पेशली फोन को तो मत निकालो, ये झुनझुना मत निकाला करो मेरे सामने, तो उठा के फेंक दूंगा मैं। 987 97, टोटल एक बार चेक करो। लाइबिलिटी में सब कुछ ले लिया, क्रेडिटर 75 45 65, 75 45 65। कितने? 9,000। तो हमारे पास बैंक कितना है देखो ना, 12,000। ठीक है ठीक है, अब देखो यहां पे ना, पेड बाय सेलर, एक चीज और ध्यान रखना, अगर ये एक्सपेंस डिसोल्यूशन का सेलर पेड करता है और हम हमेशा मानते हैं कि सेलर ही लेगा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि उसका कैश का बैलेंस अल्टीमेटली कम ही बचेगा मार्केट वैल्यू देखा जाए। तो हमें यहां पे क्या करना चाहिए सर, कैश में भी कितना लेना चाहिए? सिर्फ 12,000 माइनस करके 18, और यहां 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 85, 885। छह लाख। अब आगे देखना, अब एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो, एक चीज नोटिस कर रहे हो, अगर आपका पीसी गलत तो सारा गलत, आपको नंबर जीरो ही मिलेंगे उस केस में। यानी पीसी आपका, क्योंकि पीसी गलत होगा तो आपकी अगर बायर की बुक भी बनाओगे तो जनरल एंट्री भी गलत होगा, ठीक है ना। और उसके साथ अब मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं जो चेंजेस किया है थोड़ा सा। देखो इसके अंदर क्या था, सेलर जो था ना, सेलर वो रियलाइजेशन का एक्सपेंस पेड कर रहा था, रियलाइजेशन का एक्सपेंस पेड कर रहा था, कितने कर रहा था? 12,000। तो हमारे पास 30,000 जब बैलेंस था तो सेलर अपने घर से थोड़ी पैसे लाएगा, इसी 30 में से 12 पेड कर रहा होगा। तो इसलिए मैंने बोला भैया इसका 18 बच गया, और बैंक में कितने दिखा दिए मैंने? 18,000 रुपए। ठीक है, अभी सेलर की बुक बनाऊंगा तो देखना वहां पे मैं रियलाइजेशन में इसके खर्चे डालूंगा, ठीक है। अब पीसी डिस्चार्ज के लिए ये क्या कहता है सर, पीसी डिस्चार्ज के लिए क्या कहता है? इसको नीट एंड क्लीन कर देते हैं एक बार। सर पीसी डिस्चार्ज के लिए क्या कहता है? पीसी डिस्चार्ज के केस में कहता है द परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज
बाय इशू 30,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम 10%। यानी हम पहले 30,000 इक्विटी शेयर इशू कर देते हैं, परचेज कंसिडरेशन निकालते हैं, इशू 30,000, और सर 30,000 इक्विटी शेयर और 10 रुपये का, और इन सभी के ऊपर और भी प्रीमियम भी रहेगा। कितने परसेंट प्रीमियम रहेगा सर? प्लस 10% का प्रीमियम, 10% का ही है ना, 10% का प्रीमियम। तो देखा जाए तो 3,30,000, और हमें 6 लाख कंप्लीट करना है, जिसमें से 3,30 तो मिल गए क्या, इक्विटी शेयर। और प्रेफरेंस शेयर को क्या कहता है देखते हैं, प्रेफरेंस शेयर को देखना, मुझे आप बताना कि प्रेफरेंस शेयर कहता है 1,100 प्रेफरेंस शेयर देंगे और देंगे 100 रुपये का एक, तो 1,100 10% वाला प्रेफरेंस शेयर दिया जाएगा, तो 10% प्रेफरेंस शेयर है 1,100 और इंटू में 100 रुपये का एक, तो कितना होगा समझे। अब अगर हम टोटल करें तो 6 लाख तो नहीं बन रहे, तो आगे सवाल में क्या कहता है, आगे सवाल में कहता है बैलेंस जो भी बच जाएगा ना देने लेने का, उसको किसमें कर देंगे पेमेंट हम, कैश। तो बताइए कैश कितना होगा, यानी इसका टोटल 6 लाख होना चाहिए। 4,40, 1,60,000, 1,60,000। बताइए यहां तक कोई डाउट? एक लाख साठ हजार किसी को दिक्कत यहां तक? यहां तक क्लियर है? चलिए अब हम क्या बना ले, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन देखो फटाफट बन जाएगा, सारे के सारे एसेट्स लिख लो, टू सन्ड्री एसेट्स क्या क्या है, गुडविल कितने का है सर, गुडविल 60,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2,25,000। सर यहां पे कौन सा वैल्यू बोला था लिखने को, यानी यही वाला, मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख, प्लांट एंड मशीनरी के बाद फर्नीचर 40,000, फर्नीचर के बाद स्टॉक 80,000, स्टॉक के बाद डेटर कितने, 1,80,000, उसके बाद कैश। सर कैश कितने का है, 30। सारा बुक वैल्यू लेंगे, अब ये मत सोचना सर पेमेंट किया था वो भी तो माइनस करो, नहीं करेंगे भाई माइनस, क्योंकि बुक वैल्यू पे इसको लेना है सारा, ठीक है। अब लाइबिलिटी की बात करते हैं, बाय साइड में सन्ड्री लाइबिलिटी, थोड़ा फास्ट करवा रहा हूं मैं, दोबारा रिपीट कर दूंगा। लाइबिलिटी में क्या आएगा, डिबेंचर, डिबेंचर कितने का है सर, 1,65। डिबेंचर के बाद क्या है, स्टाफ पीएफ प्रोविडेंट फंड 45,000, इसके बाद क्रेडिटर 75,000 बस। उसके बाद क्या करते हैं, हम पीसी लिख देते हैं यहां, है ना, तो बाय परचेज कंसिडरेशन की जगह पे बाय कौन सी कंपनी है भाई, ये एस लिमिटेड, एस लिमिटेड और ब्रैकेट में पीसी कितने, 6 लाख, ठीक है। रियलाइजेशन का खर्चा हुआ था, सवाल में कह रहा था रियलाइजेशन का खर्चा क्या है, तो रियलाइजेशन का खर्चा सेलर ने पेड किया, तो बैंक से कितने रुपए, 1,200। पहले यहां तक देखिए, कोई दिक्कत है यहां तक, दोबारा देख लें एक बार, पूरा समझ लेते हैं एक बार, पहले क्वेश्चंस भी समझ लेते हैं, क्योंकि देखो मैं तो 1 से 2 बार समझा रहा हूं, फिर आपको फिर ये अच्छे से देखना होगा, फिर समझना होगा, फिर करना होगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके 10 ईयर में गिवन है, तो मैं 10 ईयर का करवा रहा हूं, तो हर बच्चों के पास ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो गिवन ही होगा। तो सीधी बात है, सबके पास 10 ईयर आ चुका है, मार्केट में जाके आप ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैं सवाल को शुरू से बिल्कुल समझा रहा हूं, आप समझना। हमें कुछ लाइबिलिटी, कुछ एसेट्स दिया, कुछ एडजस्टमेंट दिया, एडजस्टमेंट में कुछ एसेट्स के बारे में उसका मार्केट वैल्यू बता दिया गया, और कुछ एसेट्स को बोला गया उसके बुक वैल्यू पे ले लो, और उसके बाद दूसरा एडजस्टमेंट में कह दिया गया कि पीसी को ऐसे डिस्चार्ज करोगे। यानी परचेस कंसिडरेशन जो निकाला जाएगा वो कैसे निकाला जाएगा, नेट एसेट्स मेथड से।
हमने क्या किया यहाँ पे सारे के सारे एसेट्स टोटल कर लिए जो भी दे रहा था, माइनस लाइबिलिटी कर दिया, तो हमारा परचेज कंसिडरेशन निकल के आ गया। अब परचेज कंसिडरेशन को डिस्चार्ज करने की बात कही गई थी और कहा गया था क्या क्या करना है परचेज कंसिडरेशन के साथ। कहता है भाई साहब 3000 इक्विटी शेयर कैपिटल दे दो 10 बार, तो इसका मतलब सर 3 लाख का दे रहे हैं, लेकिन बोला ऐसे नहीं देना, उसके ऊपर 10% प्रीमियम भी लो। तो मतलब हमने उसको इक्विटी शेयर कितने का दे दिया, 3,30,000 का, जो कि हमारे इसके अंदर हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया 3,30,000। बोलता है प्रेफरेंस शेयर कितने दे दो, सर 1100 प्रेफरेंस शेयर मात्र दे दो। अब मैंने चेक किया प्रीमियम पे भी है, बोला ना भाई ना प्रीमियम पे नहीं है 1100। चलो भाई साहब 1100 दे दिया, तो मैंने कितने दे दिया यहाँ प्रेफरेंस शेयर 1,10। उसके बाद देखा गया तो बैलेंस बोलता है कैश, तो जो मैंने 6 लाख पीसी था ना यहाँ लिखा और इसमें से इन दोनों को माइनस कर दिया इस 6 लाख में से, तो जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आया वो क्या निकल के आ गया, हमारा कैश आ गया। ये तो पीसी डिस्चार्ज की बात हो गई। अब हमने रियलाइजेशन बनाया, रियलाइजेशन में क्या करा, सारे के सारे एसेट्स बुक वैल्यू लिख दिए, सारे के सारे लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में हमारा ये वाला पार्ट तो हमारा लाइबिलिटी का हिस्सा होता ही नहीं है, तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड का पार्ट हो जाता है, तो मैंने सारे लाइबिलिटी एसेट्स लिख दिया। यहां पे मैंने पीसी को जो भी पेमेंट करना था पूरा पीसी लिख दिया और रियलाइजेशन एक्सपेंस पेमेंट का मैंने यहाँ पे एंट्री डाल दिया है, और कुछ ऐसा नहीं करा है। डिबेंचर ऑफ पी लिमिटेड डिस्चार्ज बाय इशू ऑफ सफिशियंट नंबर ऑफ डिबेंचर 10 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम इन एस लिमिटेड, तो इस डिबेंचर वाले का कोई रोल नहीं होता, ये बुक्स ऑफ बायर के लिए सिर्फ जनरल एंट्री के काम आता है, सेलर का कोई मतलब ही नहीं रहता इस डिबेंचर में, क्योंकि मैंने डिबेंचर तो यहाँ पे ले ही लिया है उसका, समझे बात आप। अब मुद्दे की बात यहाँ पे आएगी, सर यहाँ पे कुछ और भी बनाना पड़ेगा, जी हाँ यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा ना, यहाँ पे दो अकाउंट और बनाने पड़ेंगे सर, कौन सा, एक इक्विटी शेयर होल्डर, कौन कौन सा बोला हुआ है आज, जो नई हम नई बातें जो सीखने वाले हैं सवाल के अंदर वो आपको अभी नजर आ जाएगा। एक इक्विटी शेयर, और कौन सा बोल रहा है था, बताया था अकाउंट, ये हो गया, ऊपर नहीं लिखते पहले पर्टिकुलर लिख देते हैं, इक्विटी शेयर के बाद बैंक, और बैंक के बाद नहीं एक और था ना प्रेफरेंस शेयर भी, हाँ तो लीजिए तीनों अकाउंट आपके सामने हैं। मैं इसको थोड़ा सा और कंसाइज कर देता हूं, यहां ये हो गया इक्विटी शेयर कैप होल्डर, ये हो गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और ये हो गया बैंक, ठीक है। अब इक्विटी शेयर होल्डर के अंदर बाय में आ जाएगा हमारा, सबसे पहले क्या आ जाएगा सर बाय में, इक्विटी शेयर कैपिटल, चलिए चेक करिए इक्विटी शेयर कैपिटल है कितना सर, सवाल में अगर आप देखो तो इक्विटी शेयर है 4 लाख का और प्रेफरेंस शेयर है 1 लाख का, तो इक्विटी शेयर आ गया हमारा 4 लाख का, और प्रेफरेंस शेयर में बाय आ जाएगा, बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का, 1 लाख रुपए का। अब आ जाते हैं आगे, अब इसके अंदर आपको जनरल रिजर्व भी है सरप्लस भी है 50 और 80, तो ये कहां जाएगा बताओ, इक्विटी शेयर में जाएगा, जनरल रिजर्व है और क्या है हमारा बताओ, रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी जनरल रिजर्व कितने का था 50,000 और रिजर्व एंड सरप्लस 80,000, ठीक है। चलिए सर अब इसके बाद और क्या देखते हैं, और तो कुछ नहीं है, लाइबिलिटी का सारा पार्ट आ जाता है और कुछ ऐसा है नहीं। बोला गया बैंक अकाउंट बनाइए, तो सर बैंक अकाउंट बनाने के लिए हमें बैंक के अंदर क्या लिख लेंगे, टू बैलेंस बीडी, सर टू बैलेंस बीडी कितने का है 30,000। और कुछ भी, अब पहले यहां तक देखिए, मैंने बैलेंस शीट के आइटम को ट्रांसफर कर दिया। अब सबसे पहले देखा जाए तो ऐसे सिचुएशन में नंबर वन पे पता है किसको बंद करिएगा, प्रेफरेंस शेयर को, हमेशा रियलाइजेशन बंद करने से पहले आप प्रेफरेंस शेयर को बंद करिएगा। क्यों, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमने क्या दे दिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे दिया, दे दिया, लेकिन सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का दिया, देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कितना दिया 1,10 को। अब यहां पे आ जाएगा साहब मिसमैच, ये आ जाएगा 1,10 और ये आ जाएगा 1,10। आप ध्यान रखिएगा एक बात मैं कहने जा रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को
कम पैसे मिलेंगे तो भी जो भी बैलेंस जाएगा वो रियलाइजेशन में जाएगा, ज्यादा पैसे मिलेंगे यानी कहने का मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अकाउंट में जो भी डिफरेंसेस आता है हमेशा कहाँ ट्रांसफर करना है आपको, रियलाइजेशन। पिछले सवाल के अंदर दोनों साइड 5-5 लाख था इसलिए कुछ ट्रांसफर, तो यहां पे सर डिफरेंस किधर आ रहा है, बाय साइड में आ रहा है, तो बाय रियलाइजेशन के नाम से ट्रांसफर हो जाएगा 10,000, और रियलाइजेशन में कहां चला जाएगा पता है, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा हमारा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सॉरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और ये आ गया 10,000। समझ में आई बात हो? ठीक है, अब हम इस अकाउंट को बंद कर सकते हैं, लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को बंद करना है। अब इस अकाउंट को बंद किया जा सकता है, तो इस अकाउंट को अगर हम बंद करें तो देख लेते हैं टोटल करके क्या क्या कहाँ क्या क्या आ रहा है। तो एसेट्स में एसेट्स का टोटल तो था ही हमारे पास, 9-15 ही आएगा, यही सारा उतारा है एज इट इज हमने, है ना, 9,15,000। चलिए सर लॉस आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है 1,65, ये 285, तो हमारा इधर का ही टोटल ज्यादा है 9,37,000, 9,37,000, और यहां से भी जो बैलेंस जाएगा वो कहां चला जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर के अंदर चला जाएगा, तो माइनस कर लेते हैं। अरे 52,000 आ रहा है, चेक करिए क्या रहा है, कैश में 30,000 आ गया, तो एक्सपेंस भी क्यों बढ़ाने पा रहा है। नौ पंद्रह है, नहीं बताइए, 52 52 52 52, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा पीसी जो पीछे एरर आया था ना, इसका पीसी ना यहाँ 18 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे पूरा 30 ही आना चाहिए, अगर हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। कैसे एडजस्टमेंट मारे, कैसे एडजस्टमेंट, चलिए यहाँ गलत आ जाएगा लॉस, मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ये एडजस्टमेंट मैं यहाँ पे 12 कर रहा हूँ ताकि आपका टैली हो जाए, मैं इसके ऊपर स्टार बना दूंगा, अभी समझाने का कोई फायदा है सच नहीं है, मैं इसको अलग से समझाऊंगा 12 क्यों लिया गया, इस क्वेश्चन का दोबारा मैं पीसी निकाल के बता दूंगा, अभी फिलहाल के लिए मैं ये कर देता हूँ, और यहाँ पे 40 है, मैं रीजन भी बताऊंगा लॉजिक भी बताऊंगा, क्योंकि मुझे पहले ही पीसी थोड़ा सा लग रहा था कि उसे डायरेक्ट किया गया है, तो मैं बता दूंगा, अभी सिर्फ आप इतना देखिए पीसी हमारा 40 रहेगा। अच्छा हाँ 18 18, अभी सिर्फ ये देखिए मैं इसको क्लियर कर दूंगा कल वाली क्लास में, सबसे पहले मैं यही क्लियर करूंगा क्योंकि अभी लिमिटेड टाइम है और ज़्यादा हम इस पर डिस्कस कर भी नहीं सकते अभी। चलिए सर अब इक्विटी शेयर में हमारा 40,000 का क्या था, लॉस था, तो यहाँ आ जाएगा टू लॉस रियलाइजेशन से कितने आ जाएंगे 40,000, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने का इक्विटी शेयर कैपिटल दिया था याद होगा आपको 3,30 का, दोनों साइड देखते हैं 4 लाख, और कैश भी दिया है ना हमने, कैश कितना दिया 1,60,000, 4,50,000, 80,000, 5,30, 1,60, ये दोनों हो गया हमारा मैच। अब बैंक की बात कर लेते हैं, बैंक में सबसे पहले बाई साइड में आपका रियलाइजेशन का एक्सपेंस था सर कितने का था, 12,000 रुपये का, और फिर आपने इक्विटी शेयर होल्डर को भी पेमेंट किया है
आपने इक्विटी शेयर होल्डर को भी पेमेंट किया और कहीं से पैसा आया भी है क्या आपके पास? एक बार ही दिखाना। छोड़िए, बैंक अकाउंट अभी रहने दीजिए, ये अभी नहीं, ये अगली क्लास। आज की क्लास का देखो मैं कंक्लूजन बताऊं ना, तो मैं सिर्फ एक ही चीज कराना चाहता था आज, जो कि मैंने समझा दिया कि जब कभी भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट से, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट से जब कभी भी कोई भी डिफरेंस आएगा, तो उस डिफरेंस को हम कंपनसेट कैसे करेंगे सर? उस डिफरेंस को कंपनसेट करेंगे रियलाइजेशन से। हो सकता है रियलाइजेशन के डेबिट में जाए और रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाए, इसका बैंक अकाउंट। और एक पॉइंट मैंने आपको ये बोला है कि मैं ये आपको समझाऊंगा, जो कि अगली क्लास यानी कल वाली क्लास में हम सबसे पहले कर लेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए भी देता हूं। जो कल करके आएंगे आप, एक आप 7 करेंगे ट्राई, चाहे कोई भी हो 10 ईयर जिसके पास, उसमें 7 ही क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्वेश्चन 7 ट्राई करेंगे, एक 7 में बता देता हूं कौन सा है। यहां पे 7 है, कृष्णा लिमिटेड, चेक करिए इसमें, देखना सीबीसीएस में 7 कौन सा है, कौन सा क्वेश्चन है। 7 ही आया, तो इतनी देर से ढूंढ रहे थे एकदम, देख देख के पेज पलट पलट के, भगवान जाने क्या करोगे आप। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 करोगे, 11 तो कल दोबारा देख लेंगे एक बार। 10 है भाई, लिमिटेड नहीं है, 10 देख लो आप। टेन के बाद आप करोगे 13 आशा लिमिटेड, बस ये क्वेश्चन कल वाली क्लास में करके आओगे। ये मैंने 10 ईयर का क्वेश्चन दिया है, आप सभी को 10 ईयर बाय करना है, 10 ईयर आपके नियर बाय शॉप पे मिल जाएगा। जिन बच्चों के पास 10 ईयर नहीं है, आप ऑनलाइन सर्च करके ले सकते हो, नियर बाय बुक स्टोर पे आपको मिल जाएगा। पीडीएफ अपलोड नहीं होगा 10 ईयर का, 10 ईयर का पीडीएफ कहाँ से लाएंगे?